तीन साल में 1.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं चांदी के दाम। तो यदि अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो चांदी में निवेश करिए, सबसे बढ़िया स्रोत है। भारत समेत दुनिया भर में ब्याज दरें देर सवेर पड़ने की आशंका से एक्टिविटी मार्केट में तेजी थमने के आसार हैं। दूसरी तरफ इस साल तीसरी लहर के बाद कोविड महामारी खत्म हो जाएगी ऐसा भी सोच रहे हैं। ऐसे में अनिश्चितता घटेगी और सोने को अतिरिक्त सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। इस बीच महंगाई लोगों की जेब काटती रहेगी, जिससे बचाव में चांदी तगड़ी हेजिंग टूल साबित हो सकती है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि 2022 और अगले कुछ वर्षों तक चांदी में जोरदार तेजी का रुझान है। एक सर्वे के अनुसार इस साल चांदी 80,000 और अगले 3 साल में 1.5 लाख रुपए तक का लेवल देख सकती है। फिलहाल यह 61,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। इस हिसाब से चांदी इस साल 33% और अगले 3 वर्षों में 250% तक रिटर्न दे सकती है। एक सर्वे के अनुसार इस साल चांदी 74,000 और 3 साल में 1 लाख तक पहुंच सकती है। इस हिसाब से चांदी 67% से ज्यादा रिटर्न देगी। 2020 इसका अपवाद रहा, जब कोविड महामारी चरम पर थी। इसके उलट 2017 के बाद से चांदी की माइनिंग में लगातार कमी आई। सिर्फ 2021 में सालाना आधार पर चांदी की माइनिंग बढ़ी, लेकिन यह 2020 की लो बेस के कारण हुआ। तब भी खनन सिर्फ 8.2% बढ़ा, जबकि उस दौरान चांदी के डिमांड में 15.3% की बढ़ोतरी हुई। ग्लोबल डेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 के बीच चांदी की डिमांड में 25-30% तक बढ़ावा होगा। इसके उलट 2022 से लेकर 2024 तक चांदी की माइनिंग में मात्र 8% का इजाफा होने का अनुमान है। जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, उतनी तेजी से चांदी की माइनिंग में इजाफा नहीं हो रहा। 2018 से 20 तक चांदी की माइनिंग लगातार घट रही थी। ऑटोमोबाइल, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में चांदी की अतिरिक्त डिमांड निकल रही है। ये मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी में चांदी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इस साल चांदी में कीजिए। 2024 के आखिर तक 250% तक रिटर्न दे सकती है यह सफेद धातु।